जब यार तुम लोग वर्दी पहनते हो तो कुछ चीजें जो तुम नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो अगर तुमने वर्दी पहनी है, क्योंकि वर्दी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग ये सोचते हैं कि वर्दी मिल गई है तो टसन है, सब कुछ है। कभी भी तुम देखना जो बड़ी रैंक के लोग होते हैं वो बहुत काम हो जाते हैं, जैसे उनके जिस्म पे वर्दी आती है, जैसे ही वो वर्दी पहनते हैं वो बहुत काम हो जाते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हो जाते हैं। अगर कोई बहुत पहले उद्दंड रहा है वो भी शांत हो जाता है। क्यों? वर्दी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। तो जो लोग भी मेरे, हम फॉलोअर्स तो नहीं कहेंगे, मेरे भाई लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, मेरी चीज़ों को सुनते हैं कभी कभी, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि तुम लोगों के पास जो वर्दी है, जो तुमने पहनी है, इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और इसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कुछ काम जरूर करने पड़ेंगे तुम्हें, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सबसे पहली चीज है, अगर तुमने वर्दी पहनी है तो तुम गली की चीजों का यूज नहीं कर सकते हो। कैसे? देखो, गली की चीजों का यूज मतलब ये होता है कि किसी को कहीं पे भी किसी भी तरीके से गरिया देना, कुछ किसी भी तरीके से लड़ाई कर लेना, ये सारी चीजें चिंदी बने वाली हरकतें वो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम, अब मान लो तुम्हारा नाम है आदर्श नाम है, ठीक है, और तुमने वर्दी पहनी है, तो तुम वहां पे आदर्श नहीं खड़े हो, ठीक है, समझो मेरी बात को। जब भी तुम वर्दी पहन के खड़े हो तो कोई ये नहीं कहेगा आदर्श खड़ा है, वो क्या कहेंगे, वो यूपी पुलिस खड़ी है, वो पुलिस खड़ी है। तुम पूरी पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि मोदी जी दूसरे देश में अगर जा रहे हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जाता मोदी आया, वो कह रहे हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आए, इंडिया आया है। कितने, जब ये बात होती है ना कि वहां पे कितने देश हैं, तो वहां पे क्या बात होती है, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहां पे ये बात नहीं होती है मोदी है, शी जिनपिंग है, ये सब है, ये सब बातें नहीं होती है। तो इस वजह से जब भी तुम कोई भी वर्दी पहनते हो, उसके जो यहाँ पे जो लिखा रहता है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, तो तुम उस पूरे पुलिस विभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिससे तुम आए हो, तो उसकी तुम बेइज्जती नहीं करा सकते हो। इसीलिए कहा जाता है वर्दी पहन के कभी भी चिन्नी बने की हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ तुम्हारा नाम कुछ बदनाम होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ वर्दी का नाम बदनाम होता है, उसमें पूरी पुलिस कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे कि कई बार छेड़खानी का भी आया था वीडियो, कि मतलब कुछ पुलिस वाले थे, कांस्टेबल, आज से नहीं 2-4 साल हो गए उसके पहले, कि छेड़खानी कर दी थी उन लोगों ने, लड़कियों को छेड़ दिया था। अब वहां पे ये नहीं आया था कि इन्होंने, मोहन ने, रोहन ने लड़कियों को छेड़ दिया था, वहां पे बड़े कॉलम में ये लिख के आया था यूपी पुलिस ने की छेड़छाड़, वहां पे पूरा यूपी पुलिस आ गया। अब उसमें किसी ने बहुत बेहतर काम किए होंगे वो सब दब गए, जितने भी बड़े बड़े काम किए होंगे वो सब दब गए, कुछ अच्छे काम किए होंगे वो भी सब दब गए। यहाँ पे उछला क्या कि यूपी पुलिस ने चीज़ें कर दी। इसलिए कभी भी जब तुम वर्दी पहनते हो कोशिश किया करो कि इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ भी चीज़ें तुम ऑफ द ट्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा नाम नहीं बदनाम हो रहा है, इसमें पूरी पुलिस कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है, पूरी पुलिस कम्युनिटी की बेइज्जती होती है। इसीलिए आज घूसखोरों की जब बात आती है तो पुलिस का नाम क्यों ले लिया जाता है? अब ऐसा नहीं है कि सब ले लेते हैं घूस, हो सकता है कुछ लेते होंगे, जाहिर सी बात लेते होंगे, लेकिन उनके जिसमें वर्दी है, उनके शरीर में वर्दी है, तो नाम यही आ जाता है कि पुलिस घूस ले रही थी, और उस पुलिस के चलते सारी पुलिस बदनाम है। तो इस वजह से वर्दी पहनते हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी किया करो, और ओछी हरकतें, छोटी हरकतें तुम नहीं कर सकते हो। राम राम, जय हिंद।